आजमा ने किया अंजलि का मेकअप बर्बाद। वेल, क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है इसके बाद, चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशव एंड वेलकम टू आवर चैनल। आजमा जितनी छोटी दिखती हैं उतना ही बड़ा धमाका करती हैं लॉकअप में। वेल, उनके इसी धमाके को कहीं ना कहीं फैंस पसंद करते हैं। वेल, एंटरटेन भी होते हैं और इरिटेट भी होते हैं, और अगर एंटरटेनमेंट और इरिटेटिंग का एक साथ कॉम्बो अगर देखना है तो वो आजमा है। वेल, आजमा की अगर बात करें तो आजमा ने लॉकअप में जो है, जहां पर ज्यादा कुछ हाल फिलहाल हो नहीं रहा था, लेकिन आजमा ने कर दिया है धमाका। अंजलि का मेकअप बर्बाद कर दिया है, बाल्टी में डालकर जो है उनका पूरा मेकअप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं अंजलि जो है वो भड़कती हुई नजर आई हैं। वेल, ऐसी सिचुएशन में काफी कुछ जो है आजमा भी कहती हैं कि मैंने कहा था कि मैं तेरा मेकअप जो है वो डिस्ट्रॉय करूंगी, और अगला नंबर जो है वो पूनम का है, यानी कि अगला जो मेकअप बर्बाद होगा वो पूनम का होगा, और फिर सब लोग जो है बिना मेकअप की चुड़ैल जो है वो नजर आओगे। वेल, यहाँ पर शिवम कहते हैं कि यार तेरा सही है, तू एकदम ओपन चैलेंज करती है और इस तरीके से जो है चीजें नजर आती है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस नरोला की बात करें तो वो आजमा के अगेंस्ट नजर आते हैं। वो अंजलि को समझाते हैं कि आजमा सिर्फ और सिर्फ तुझे भड़का रही है, तेरा रिएक्शन देखना चाहती है, तू कुछ भी रिएक्ट यहाँ पर मत कर। वेल, कहीं ना कहीं वो आजमा के अगेंस्ट जो है वो जाते हुए नजर आते हैं, और जो कुछ भी आजमा ने किया है उसके खिलाफ होते हैं। वेल, ऐसे समय में जहां पर ये सारी चीजें चल रही होती है, वहीं पूनम जो है वो अपना मेकअप डिस्ट्रॉय कर देती है, आजमा का साथ देती है और बोलती है कि ले बहन, तेरा मेकअप डिस्ट्रॉय हुआ है तो मैं भी अब मेकअप नहीं लगाऊंगी। वेल, ऐसे मौके पर जो आजमा है वो काफी ज्यादा खुश होती हुई नजर आती है और बोलती है कि इसने तो खुद ही से डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां मैं डिस्ट्रॉय कर रही थी ये तो मुझसे पहले ही डर गई और खुद ही ने डिस्ट्रॉय कर दिया मेकअप। वेल, ये सारी चीजें जो है हाल फिलहाल लॉकअप में नजर आ रही है। जानना चाहूंगी आपके रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।